दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक, और ठीक उसका बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। और दोस्तों अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी मेरा वीडियो देखना तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये SMPS बैटरी चार्जर है जो कि इसमें ये ऑन हो रही है, लेकिन इसमें जो है आपकी बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा है, यानी कि इसमें बैटरी चार्जिंग एम्पियर हम लोगों को नहीं मिल रहा है। चार्जिंग वोल्ट भी दिखा रहा है और चार्जिंग वोल्ट जो दिखा रहा है वो वोल्टेज बढ़ नहीं रहा है, और इसमें जो है चार्जिंग नहीं कर रहा है बिल्कुल। जो बैटरी की वोल्टेज है उसी पे ये वर्किंग कर रही है, यानी कि बैटरी को, यानी कि मेन लाइन से जो इसमें चार्जिंग एम्पियर मिलते हैं वो बैटरी में इनपुट नहीं हो रही है, यानी कि बैटरी पे ही ये वर्किंग कर रही है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जब भी इसको रिपेयर करेंगे तो इसमें PCB को खोलने के समय आपको चेक कर लेना है कोई इसमें कोई सामान कंपोनेंट या फिर कोई कंडेंसर या फिर कोई भी डायोड वगैरह जले तो नहीं है। आपको ध्यान देना है कभी भी आप कोई भी सर्किट रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सर्किट ही चेक करना है। सर्किट में कभी कभी क्या होता है, इसमें कोई कंपोनेंट जले होते हैं या फिर सर्किट भी जला हो सकता है। ये बैटरी क्या होता है, एसिड इसमें लगने के चांसेस बहुत होते हैं क्योंकि बैटरी में रेगुलर लगा रहता है, तो इसीलिए जलने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों इसमें कंपोनेंट ख़राब थे, जो देख रहे हैं कैपेसिटर है ये फूले हुए थे और जला हुआ था, देख सकते हैं आप। इसी तरह अगर आपको कैपेसिटर जला हुआ मिले तो सबसे पहले इसको बदल दीजिएगा, अगर ये ख़राब होगा तो आपका चार्जिंग एम्पियर नहीं आएगा, बैटरी को ये प्रेशर नहीं दे पाएगा, जो मेन लाइन से प्रेशर देता है बैटरी को चार्ज करने के लिए वो दे नहीं पाएगा। तो ये इसमें 2 कैपेसिटर ख़राब थे जो कि मैं बदल ही कर दिया इसको, और अब इसके बाद में इसमें चार्जिंग आना चालू हो गया और इसमें वोल्ट भी आना चालू हो गया। दोस्तों इसमें पहले हम लोग जब चार्ज लगाते 10 वोल्ट से ऊपर उठता नहीं था, अब दोस्तों ये 16 वोल्ट तक भी ये उठ जा रहा है, यानी कि बैटरी को 100% चार्ज कर रहा है। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना है, कोई भी SMPS का सर्किट बना रहे हैं तो उसमें आपको चेक करना है कोई कंपोनेंट तो जला हुआ नहीं है और वो फूला हुआ तो नहीं है, ये ध्यान देना है। अगर फूला है तो उसको बदल दीजिएगा, या फिर ओवरहीटेड हो रहा है तभी भी आप उसको बदल दीजिएगा। तो दोस्तों देख रहे हैं आप इसमें चार्जिंग आ गई है, चार्ज करना चालू कर दिया। इसमें 2 कैपेसिटर ख़राब थे, 16 वोल्ट हो रहा है इसमें। दोस्तों जब बैटरी में इसमें लगाएंगे तो इसमें एम्पियर भी शो करेगा। फ्रेंड्स आप जब भी बैटरी चार्जर को रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि इसमें आपको एसिड लगा हुआ दिखाई दे तो वहाँ अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। साफ़ करने के बाद में वहाँ पर सोल्डिंग कर लीजिएगा। सोल्डिंग करने के बाद में अगर कोई भी कंपोनेंट जला हुआ दिखाई दे रहा है, यदि कैपेसिटर फूला भी दिखाई दे रहा है तो उसको बदल दीजिएगा, उससे आपकी ये प्रॉब्लम आती है चार्जिंग का। तो ये अगर बदल देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप फ्रेंड मेरा वीडियो आप लोग बहुत पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों जय हिंद जय भारत।